आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। के दिन आप लोगों ने सम्मान समारोह रखा है कार्यकर्ताओं का। अभी हाल ही फिलहाल में एसपी के सुप्रीमो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है, बिहारी जी का दर्शन मथुरा से करके लौटे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समीकरण देखने को मिला है, ये कहा जाए कि दलित पिछड़ा कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने आज साकार कर दिया इस समीकरण को, तो क्या इस पे राधे राधे नहीं हो रहा? देखिए, आप सब यह अच्छी तरह से जान लें, हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की सरकार और केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, वो जात धर्म से ऊपर उठकर सेवा भाव से हम सभी लोग, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर तक का कार्यकर्ता लोगों को की सेवा करके राजनीति करना चाहता है। अभी आया है समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई करते हैं, लेकिन हम सेवा करके राजनीति का जो दर्जा है उसको स्थापित करना चाहते हैं। उसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने रखा है। हम सभी संगठन के लोगों को 26 तारीख से 31 तारीख तक हम सभी ब्लॉकों में एक ऐसा कार्यक्रम अपने नेतृत्व के निर्देश पर कर रहे हैं कि जो यह पंचायत का त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ है, उसके सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी के सम्मानित सदस्य और ग्राम प्रधानों का हम सम्मान करने के लिए उन ब्लॉकों में जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस धर्मापुर ब्लॉक के, इस धर्मापुर मंडल, भारतीय जनता पार्टी के धर्मापुर मंडल की तरफ से इस मुस्कान पैलेस में यह कार्यक्रम है। हम सभी प्रतिनिधियों को आगामी उनके कार्यकाल की शुभकामना देने के लिए यहाँ उपस्थित। सर, जिन लोगों का सम्मान आज हुआ है, वो जिस तबके से लोग आते हैं, मैं ध्यान से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी को जरा सा चेंज आज की है। आज जिन तबके के लोगों ने यहाँ सम्मान पाया है, ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में बेहद अच्छी तरीके से, गंभीर तरीके से चोट मारी गई। सर, क्या कहते हैं पत्रकार बंधु? निश्चित तौर पर आप जान लें, चाहे वो आयुष्मान योजना दिए हैं, चाहे राशन कार्ड दिए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि दिए हैं, सभी तबकों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भाव रख के हमारे नेतृत्व ने काम किया है। वहाँ कोई जात बिरादरी का वो बंधन नहीं है, हम सभी के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास। एक संबोधन अभी पिछला एक कार्यक्रम था, वहाँ विधायक जी ने कहा था कि जब मैं 2007 और 2012 में आता था तो मात्र 4 से 5 लोगों की मीटिंग होती थी। आज इतना बड़ा संगठन जो धर्मापुर में खड़ा हुआ है और खास करके जफराबाद विधानसभा को एक बेहद मजबूती दे रहा है, इसका जिम्मेदार, इसका दारोमदार आप किसे मानते हैं? देखिए, हमारे संगठन के साथ साथ संगठन के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने एक विशाल अपना संगठन खड़ा किया है और इस विधानसभा के यशस्वी विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी अपने सेवा कार्यों से, विकास कार्यों से, अभी उनको बाहर जाना था, कल माननीय डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में हमसे मिले, कहें कि अध्यक्ष जी, मैं कष्ट है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कार्यक्रम में रह नहीं पा रहा हूँ, आप निश्चित ही हमारे विधानसभा में ज़रूर आइएगा, आप मत मिस कीजिएगा। ऐसे यशस्वी विधायक को पाकर यह संगठन और प्रफुल्लित और पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। यह संकेत बता रहा है आगे 2022 में धर्मापुर मंडल से हम भारी लीड देंगे, भारी बहुमत देंगे। माने अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे, जो है जैसे अभी आपने कहा कि धर्मापुर में 10 तारीख को जो हुआ ब्लॉक कैंपस के बाहर, वो अक्षम्य है, न स्वीकारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या जो आप उपाधि और संज्ञा दे रहे हैं उन लोगों को, वो लोकतांत्रिक मर्यादा में कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, सपा के लोग जब सरकार आती है गुंडाई करते हैं, कुछ आदत बनी हुई है, लेकिन माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उनकी गुंडाई को किनारे कर रहे हैं। अच्छे अच्छे गुंडों को या तो जेल में जगह है या तो उनको भेज चुके हैं ऊपर, और आप जान लीजिए कि गुंडाई अब अंतिम चरण पर है। एक बार और अपनी सरकार बनेगी तो शायद इस चौराहे पर भी कुछ गुंडाई करने वाले जो अभी दिखाई दे रहे हैं, सब समाप्त होने की स्थिति में। कार्यकर्ताओं का सम्मान तो हो गया, लेकिन पत्रकारों का भी सम्मान बचा है कि नहीं? बहुत बहुत सम्मान है माननीय पत्रकार बंधु। प्रश्न है, जिले के माने जाने पत्रकार अरुण यादव पिछड़े तबके से जरूर आते हैं, लेकिन सच लिखने से बाज भी नहीं आते, उनको तमाम प्रकार के एलिगेशंस में फंसा कर पुलिस उनका उत्पीड़न कर रही है। सर, ऐसी कोई बात होगी, आप लोग एक दिन अपनी टीम का प्रतिनिधि मंडल बनाइए, और कप्तान साहब से हम लोग भी मिलेंगे। यह उत्पीड़न किसी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जिला नेतृत्व आपके साथ है, उत्पीड़न की कार्रवाई में आपके साथ है। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ।